नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं हूं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करेंगे देवघर के एक ऐसे शिक्षक की जो टिकट संग्रह करने की दीवानगी हैरान करती है। प्रकृति प्रेमी रजत मुखर्जी को पक्षियों के साथ साथ समय बिताना भी अच्छा लगता है और टिकटों का संग्रह करना तो उनका शौक है। 64 साल के रजत मुखर्जी 50 वर्षों से टिकट संग्रह का काम कर रहे हैं और अब तो उनके पास डाक टिकटों का संग्रह 50,000 से अधिक हो चुका है। 64 वर्षीय रजत मुखर्जी अपनी बहन के साथ मिलकर टिकटों का संग्रह करते हैं। दोनों निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। दोनों साथ ही रहते हैं और प्रकृति और पशु पक्षियों से खासा लगाव है। भाई बहन की यह जोड़ी प्रकृति प्रेमी है। इन्होंने पशु पक्षियों से बेहद लगाव है। टिकटों की ही नहीं, नई नई चीज़ों को संग्रह करना ही इन्हें अच्छा लगता है। रजत मुखर्जी बताते हैं कि जब वो 6 कक्षा में पढ़ते थे तब से ही उन्होंने टिकट संग्रह करना शुरू कर दिया था और आज 64 वर्षों की उम्र में भी यह शौक कम नहीं हुआ है। वह आज भी यह काम कर रहे हैं। रजत मुखर्जी के एल्बम में भारत और दूसरे देशों के भी टिकट हैं। रजत मुखर्जी कहते हैं कि भारत सरकार का कोई भी ऐसा टिकट डाक टिकट नहीं होगा जो उनके संग्रह में उपलब्ध नहीं है। सभी टिकटों को उन्होंने अच्छे से एल्बम में लगा कर रखे हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों के टिकट भी उनके एल्बम में मौजूद हैं। टिकटों के साथ साथ समाज सेवा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना उनका काम है। टिकट संग्रह के अलावा निस्वार्थ समाज सेवा में रजत मुखर्जी लगे रहते हैं। अपनी बहन के साथ वह बच्चों को शिक्षा भी दान करते हैं, शिक्षा भी देते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। 64 वर्ष की उम्र होने के कारण अब उनकी आँखों में दिखाई कम देता है, आँख की समस्या हुई है जिसके कारण चित्रकला का काम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जितना कर दिखाया है वह कम नहीं है। चारों तरफ आप देखेंगे तो पेंटिंग ही पेंटिंग नज़र आएगा। रजत मुखर्जी चित्रकला के बहुत बड़े शौकीन हैं और अभी तक उन्होंने 500 से ज़्यादा चिड़ियों के स्क्रेच बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह चिड़िया का स्क्रेच जो है वह इंडिया के अलावा दूसरे देशों के भी चिड़ियाँ इसमें मौजूद हैं। चारों तरफ उनके यहाँ ये सारे चिड़ियाँ लगे हुए हैं। रजत मुखर्जी की पहचान एक कलाकार के रूप में उनके मोहल्ले के लोग जानते हैं, देवघर के लोग जानते हैं, लेकिन उनकी एक और पहचान है जो सभी को नहीं पता है। यह पहचान उन्हें अचंभित करने वाली है। चर्चा है कि पशु पक्षी भी उन्हें आवाज़ से पहचानते हैं। जब वह पक्षियों को दाना देते हैं तो सभी उन्हीं की आवाज़ सुनकर खींचे चले आते हैं और संगीत में भी रुचि रखते हैं। रजत मुखर्जी का संगीत में भी लगाव है। काम की धुन में या खाली वक्त में वह संगीत की दुनिया में खोए रहते हैं। वह हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। रजत मुखर्जी कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में गुजार दिया, आगे भी अपनी सेवा का काम जारी रखेंगे। उनकी अंतिम इच्छा है कि अगर उनके कार्यों के साथ उनके संग्रह को सरकार से कोई उचित सम्मान मिल जाए, उचित स्थान मिल जाए, तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ नहीं होगा। उनका कहने का मतलब ये है कि उनके परिवार में कोई नहीं है, वो और उनकी बहन 64 साल की, वो और रजत मुखर्जी साहब की बहन 65 साल की है, दोनों साथ रहते हैं। दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है, दोनों साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये संग्रह जो किया है, ये कॉइन जो आप देख रहे हैं, विभिन्न देशों के कॉइन, और देखिए किस प्रकार से कॉइन को उन्होंने कॉइन के तरीके से लिखा है और सभी देशों के कॉइन उसमें इकट्ठा है। ये संग्रह जो है बाद में क्या होगा इसकी चिंता उसे अब ज़्यादा सता रही है, क्योंकि 64-65 साल की उम्र में लोगों को लगने लगता है कि अब मेरे लिए इस दुनिया में क्या है। तो उन्होंने जो संग्रह किया, इतना मेहनत किया, वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, तो उसके लिए उनकी चिंता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने, कोई भी ऐसा टिकट नहीं होगा जो उनके पास नहीं होगा। डाक टिकट ये है
पहले के ज़माने में किस प्रकार से चिड़िया का था, फिर नेताओं के हुए और डायनासोर वगैरह का टिकट हुआ करते थे, एशियन हो गया आपका, अमेरिकन हो गया, बाकी इंडिया के हैं, सारे जगह के टिकट उनके पास संग्रह हैं। और वो क्या कहते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रेरणा तो घर के ही सारे लोग फिर आगे में बढ़ने के लिए बोले थे, स्पेशली माँ बहन है, और साथ साथ में लोगों का सहयोग मिला कि हमको कहीं से भी कुछ मिलता था तो हमको भेज देते थे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स आज भी बाहर में हैं, विदेश में हैं, जो एक जर्मनी में है अभिनव कुमार, एक जापान में है आपका अंजय खवाड़े, फिर आपका खवाड़े अंजय खवाड़े, फिर अमेरिका में है मन मृत्युंजय खवाड़े, हाँ और भी बहुत सारे हैं जो बाहर में हैं मेरे जान पहचान वाले हैं। वे जब घर आते हैं तो अवश्य ही मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं और मेरे पास भी होते होते करते करते आज करीब 40-45 सालों से कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे हो गए हैं, करीब 50,000 से भी ज़्यादा भी हो सकता है। सारे मेटेरियल्स, जितने भी फिलाटेलिक मेटेरियल्स लाया जाता है, सारे मेरे पास हैं और पुराने से पुराने स्टाम्प्स हैं मेरे पास, ब्रिटिश टाइम का सारे स्टाम्प है मेरे पास। दादा फिलाटेलिक उसी रहे थे जो ये आपका ये कलेक्शन करते हैं जो स्टैम्प का, उनको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी उससे संदर्भ में जितने भी सामान आते हैं, जैसे कॉइन्स है, आप कुछ मैंने विशेष रुपया भी रख सकते हैं देश विदेश का, एक एक करके दिखा सकते हैं एग्जिबिट जब करते हैं, और भी बहुत सारे जैसे कि फर्स्ट डे कवर है, ये सारे चीज़ भी फिलाटेलिक है, तो जिसके कारण ये संग्रह के अंदर में आता है। तो मेरे पास सभी कुछ है और बहुत आयत से है, एक आदि नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय से करते आ रहे हैं। फिर चिड़ियों का काम भी हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, चिड़िया पर भी मेरा प्रेम है, चिड़िया से बहुत ही प्रेम है, हालांकि सारे जीव जंतु से ही प्रेम है, और चिड़िया पर मैंने कुछ विशेष काम किया, करीब 500 बर्ड्स अपने हाथ से स्केच किया है जो आप देख भी सकते हैं, आज भी है मेरे दरवाजे पर भी कुछ लगा हुआ है, ये सजा दिया है, बस यही मेरा हॉबी है और आज तक चलते आ रहे हैं। चाहेंगे कि जब तक कर सके तो हम ये करते ही रहें।